जापान में एक पत्रकार ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से कहा कि भारत संप्रभुता की बात करता है, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत ने आज तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। क्या ये दोहरा रवैया नहीं है कि एक जगह आप संप्रभुता की बात करते हैं और दूसरी जगह आप उन देश के साथ खड़े नहीं हैं जिस देश के ऊपर हमले हो रहे हैं? विदेश मंत्री ने कहा कि आजादी के ठीक बाद भारत पे बहुत सारे हमले हुए, हमारे बॉर्डर को कई बार बदला गया, लेकिन आज बात तो हो रही है उसूलों की, आज बात हो रही है सिद्धांतों की, लेकिन हमारे साथ क्यों नहीं कोई खड़ा हुआ? आज भारत के बहुत सारे हिस्सों पे अगर हम बात करें तो दूसरे देशों ने कब्जा किया है, यानी कि इनडायरेक्टली एस जयशंकर साहब ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना अपनी पूरी की पूरी बात कही। लेकिन कहा कि आज भी क्या भारत के साथ कोई खड़े होने के लिए तैयार है? एस जयशंकर साहब कहते हैं कि देखिए, दुनिया को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी दुनिया में कई सारे सिद्धांत हैं, कई सारी मान्यताएं हैं, और वैश्विक राजनीति में अक्सर सिद्धांत और मान्यताओं को अपनी सुविधा के अनुसार जो है बना लिया जाता है। इसलिए आप अपने सिद्धांत, अपने सुविधाओं को बाकी देशों के ऊपर पालन करने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। कैसा लगा एस जयशंकर साहब का विचार, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। You have not come out in terms of criticizing Russia aggression to Ukraine, and people may think that this double standard. We in India know better than almost any other country, because immediately after our independence, we experienced aggression. Even today, parts of India are occupied by another country, but we did not see the world respond saying, "Oh, there's a great principle in."